हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड शेफर्ड एजुकेशन सेंटर एंड आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल। टुडे वी कंडक्ट क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। इंग्लिश का चैप्टर हम 9 पढ़ेंगे, जो है आपका द रेनबो। ओके, चलिए पढ़ते हैं। आपकी ये पोयम है, बोट सेल्स ऑन द रिवर एंड शिप सेल्स ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन दीज। These are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridge heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. Okay, ये आपकी poem है जिसे किसने लिखा है, क्रिस्टीना रोसेटी ने। तो इस poem में आपको बताया जा रहा है कि boat sails on the river, बोट्स कहाँ पे सेल करती है, रिवर्स में, नदियों में। एंड ships कहाँ पे सेल करती है, यानी कि तैरती है, समुद्र में, सीस में। एंड क्लाउड सेल्स अक्रॉस द स्काई, जो क्लाउड्स होते हैं आपने देखा है, बादलों में उभरते हुए वेव करते हुए जाते हैं, समुद्र की लहरों की तरह कह लीजिए या रिवर्स की लहरों की तरह सब जाते हैं स्काई में, इधर से लेकर उस उधर तक, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं। क्लाउड्स होते हैं जो आपने स्काईज में देखा होगा, जो कि उसे बहुत ही खूबसूरत और बेहद अच्छा दिखाते हैं। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, जैसे कि आपने देखा है जो रिवर्स होती हैं, जहाँ जहाँ पे नदियाँ बनी होती वहाँ ब्रिज भी होते, बड़े बड़े पुल्स होते हैं, ब्रिज होते हैं। As pretty as you please, जो भी कि इसको बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। But the bow that bridge heaven and overtops the trees, पर आपने रेनबो के बारे में जाना है। ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं ही, यानी कि रिवर की बात हो गई, बोट, शिप, सीस, क्लाउड, स्काई, इन सब की बात हो रही है कि सभी प्रिटियर हैं, सभी खूबसूरत हैं और सभी का देखने में अपना एक खूबसूरत सा नज़ारा है। लेकिन क्या चीज़ बहुत ही खूबसूरत है, रेनबो, यानी कि इस चैप्टर में जो आपकी बात हो रही है, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसमें 7 रंग होते हैं। ये आपका देखिए जो डायग्राम ड्रॉ है, इसमें रेनबो दिया भी गया है, किस तरीके से इसमें इसकी खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है, जो कि आपने देखा होगा जब बारिश होती है, बारिशों के मौसम में अधिकतर रेनबो निकलते हैं। इंद्रधनुष जो बो के स्टाइल का होता है, यानी कि धनुष के तरीके का होता है, जो कि जब आकाश में निकलता है तो जो बिल्कुल उसका एक नज़ारा देखने में कैसा होता, बिल्कुल हेवन यानी कि स्वर्ग की तरह लगता है, बिल्कुल वो दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। एंड ओवर टॉप द ट्रीज़, जैसा कि आपने देखा होगा जो ट्रीज़ की ऊँचे ऊँचे पेड़ होते हैं खूबसूरत से, और जब इंद्रधनुष निकलता है तो उसके जो मतलब बैकग्राउंड, जो उसका लोकेशन, जो उसका देखने का जो नज़रिया होता है, जो राइटर इसमें बता रहा है, पोएट आपको बता रहा है कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जो कि क्योंकि ये नेचर है, प्रकृति है, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो जब उस खूबसूरत दृश्य को हम देखते हैं, उस बो को देखते हैं, वो पेड़ों के पीछे से निकलता है और खूबसूरत लगता है ऊंचाइयों से उसे देखिए। रेनबो आपने कभी शायद देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, या आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं किस तरीके का रेनबो होता है, उसके 7 कलर्स होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। जब उसे रियलिटी में हम देखते हैं तो बिल्कुल एक हेवन के तरीके का दिखता है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इस प्रिटियर देन, ये सब चीज़ें जितनी हम देखते हैं, रोड, स्काई, जो यहाँ से वहाँ जाती हैं वेव करते हुए, जैसे बोट्स चल रही हैं रिवर्स में और सीस में चल रहे हैं शिप्स, पर ये सब तो खूबसूरत नज़ारा होता ही है, पर लेकिन और भी ज़्यादा इसे खूबसूरत क्या बनाता है, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। इस चैप्टर में आपका रेनबो को इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है, बताया गया है कि वो कितना खूबसूरत है और जो और हर चीज़ों से बढ़कर है, उसके आगे हर खूबसूरती फीकी लगती है। तो ये आपकी पोयम है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, इसे अच्छे से लर्न करिएगा, रीड करिएगा।
जिसे आपने जिसे किसने लिखा है आप सभी जानते हैं, क्रिस्टीना रोजेटी ने। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ओके, और ये आपका होमवर्क होगा। अब चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि पहला आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, तो आपने देखा कि आपका जो पहला ये क्वेश्चन है ये आपका क्या है, रिवर्स। सेकंड आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर है क्या, सीज। और उसके बाद आपका थर्ड आपका ये क्वेश्चन है, आपका आंसर है रिवर्स। फिर पूछा जा रहा है वेयर डू बोट शिप एंड क्लाउड सेल्स, तो ये कहाँ सेल होती है, अभी आपको बताया था। देखिए ये आपका आंसर है बोट सेल ऑन द रिवर, अलग अलग लिखिएगा आप इसे एंड हटा दीजिएगा। बोट सेल ऑन द रिवर, शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, ये आपका आंसर नंबर वन है। जो तीनों स्टैंजा आपको लिखने हैं अलग अलग लाइंस में और एंड को काट दीजिएगा। विच अमंग बोट शिप एंड क्लाउड्स इज प्रीटीएस्ट, तो इसे क्या प्रीटीएस्ट बनाता है, इन सब चीज़ों से हमने क्या कहा, सबकी बातें हो रही, सभी अपनी जगह अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, सबके अपने तरीके हैं, लेकिन और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत क्या है, खूबसूरती की अगर बात करी जा रही है तो रेनबो, ठीक, इसका आंसर होगा रेनबो। वॉट इज़ द बो हेयर, तो वो क्या है, रेनबो। बो क्या है, जो धनुष के जैसा है, क्या है भाई, रेनबो। वॉट इज़ दिस प्रिटियर देन, वॉट इज दिस बो प्रिटियर देन, तो ये आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ स्टार्ट करिएगा, द बो प्रिटियर देन द ब्रिज, यहाँ पे द लिखिएगा, द ब्रिज हैवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज, ये आपका आंसर नंबर फोर हो गया, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है वॉट डज द स्पीकर से द रेनबो डस, तो आप यहाँ पे लिखिएगा, द पोइट कंपेयर द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड मैन मेड ब्यूटी, शी फाइंड दैट ब्यूटी क्रिएटेड बाय नेचर इज प्रिटियर देन मैन मेड ब्यूटी, ओके। तो ये आपका ये आंसर जो इधर लिखा हुआ है ये आपका हो गया इसका आंसर। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है मैनी वर्ड्स आर रिपीटेड इन दिस पोएम, पिक आउट दिस वर्ड्स, यहाँ पे एक वर्ड्स जो कई कई बार रिपीट किए गए हैं उनको आपको इसमें से क्लैरिफाई करके लिखना होगा। तो आप इधर आइए, आप इसको आप अपने आप करेंगे, आप खुद इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। जैसे यहाँ रिवर देखिए कितनी बार लिखा है, ऊपर लिखा है रिवर, ठीक, यहाँ पे लिखा है रिवर, एक शब्द जो कई बार लिखा हो उसके बारे में आपको लिखना, वो आप छाट के लिखिएगा, जैसे रिवर लिखिएगा, ठीक, रिवर का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ऐसे आप कई और चीज़ें लिखी हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा, फिर उन वर्ड्स को लेके उस आंसर में लिखिएगा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ये आपकी पोयम हो गई, इसे अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से लर्न करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, और ये आपका होमवर्क होगा। बाय।